जी टॉकी चैनल पर इस समय दादा कोंडकी की हिट फिल्मों का सीजन चल रहा है। 8 अगस्त को दादा कोंडकी की 91वीं जयंती मनाई गई। इस मौके पर दर्शक 6 अगस्त से हर रविवार को जी टॉकीज पर दादा कोंडकी की जुबली स्टार फिल्में देख रहे हैं। दादा कोंडकी ने अपने समय में कई हिंदी फिल्मों के साथ साथ मराठी फिल्मों का भी निर्माण किया। सुपरहिट फिल्मों में से एक है आगे की सोच। इस फिल्म में बॉलीवुड के प्रमुख अभिनेता की फौज थी। उस समय दादा एक कोण पर हिंदी के मशहूर अभिनेता आगे की सोच में काम करने के राज्य हो गए थे। अनुभवी कलाकार राजा मुराद ने हाल ही में दादा कोंडकी के साथ एक याद साझा की। दादा कोंडकी की फिल्मों के नाम सुनकर राजा मुराद भी हंस पड़े। फिल्म आगे की सोच की पैकिंग के बाद राजा मुराद ने दादा को एक फ़ोन नंबर बताया। उस फ़ोन नंबर को सुनकर दादा की ऐसी हालत हो गई कि उन्हें पूछना अच्छा नहीं लगा। राजा मुराद ने हाल ही में खुलासा किया कि उस नंबर में क्या होता है। राजा मुराद और दादा कोंडकी ने हिंदी फिल्म आगे की सोच और ले चल अपने संग में साथ में काम किया था। हैदराबाद में शूटिंग के मौके पर इन दोनों की खूब जमती थी। राजा मुराद ने उस वक्त का एक किस्सा बताते हुए कहा, मुझे अभी भी याद है हमारी पहली मुलाकात फिल्म आगे की सोच के सेट पर हुई थी। दादा कोंडकी ने मुझे अपनी फिल्म में एक पुलिस अधिकारी की भूमिका दी थी। उनकी संगति में रहकर मैंने मराठी भाषा के कुछ अटपटे शब्द भी सीखे। मैंने एक बार उनसे सहज ही पूछ लिया, दादा आपकी अगली फिल्म का नाम क्या होगा। उस समय उन्होंने अपने साहसिक भविष्यवाणी में मुझसे कहा था कि मेरी अगली फिल्म का नाम होगा 1 रुपया में 2 किलो। दादा की फिल्मों के नाम में हास्य छिपा होता था। यह सुनकर मैंने कहा, अब मैं तुम्हें एक फ़ोन नंबर बताता हूँ, इसे अपने नाम पर पंजीकृत कर ले। मैंने कहा 22 17 14। फिर दादा ने अपने अनोखे अंदाज में यह फ़ोन नंबर हिंदी में बोला और हंस पड़े। दादा उस फ़ोन नंबर को बोलने में छिपे दोहरे अर्थ को पूरी तरह समझ गए। दादा की यह कठिनाई मुझे आज भी उनके साथ होने का एहसास दिलाती है। दादा कोंडकी मराठी फिल्मों के उस्ताद थे। 9 सिल्वर जुबली फिल्में, भारी सफलता, शोहरत, अंगूठी मिलने के बावजूद सफलता की हवा उनके सिर से कभी नहीं निकली। उनके साथ ये हमेशा पसंद आती थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि उनके साथ के कारण मेरे पास मराठी हिंदी में एक सफल अभिनेता निर्माता, बड़ी नाड़ी वाली चड्डी, हाफ पैंट, उसका हेयर स्टाइल, पूछे कर सब कुछ अद्भुत था। वह असल जिंदगी में वैसे ही हीरो थे जैसे वो पर्दे में थे। दादा कोंडकी की प्रसन्नता उनकी नसों में झलक रही थी। दादा कोंडकी बहुत ही जल्द चले गए।